अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नायला है और मेरे हस्बैंड का नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। हकीम साहब, मेरा मसला ये है कि मुझे ना बार्थोलिन सिस्ट हो गई है, जी जिसकी वजह से ना मुझे काफ़ी पेन रहती है। मैंने मेडिसिन काफ़ी यूज़ की है, मुझे इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। वो कह रहे थे ऑपरेशन हो रहा है, मतलब कि ऑपरेशन लास्ट इसका है। जी तो मैं नहीं चाह रही अभी, क्योंकि मेरी 8 मंथ हुए हैं शादी को और मेरा मिसकैरेज भी इसी वजह से हुआ है। जी जी तो मुझे ना कोई रूहानी इलाज बता दें। जी ठीक ठीक है, ज़रूर बताऊँगा इंशाल्लाह। आपका सिस्ट का मसला, औलाद और जो मिस कैरेज हुआ, इंशाल्लाह आइंदा अल्लाह आपको बेटे नेमते अता फरमाएगा। आप एक काम करें मोहतरमा, रोज़ाना 3 बार सूरत मुजम्मिल पढ़ें, अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक के साथ। आप ये किसी वक्त भी पढ़ सकती हैं जो आपको सहूलत हो, सूरत मुजम्मिल। और आपने सारा दिन एक आयत को पढ़ना है सूरत मुजम्मिल की, वो आयत है या अय्युहल मुजम्मिल। इसको आपने बहुत ज्यादा कसरत से पढ़ना है, बहुत कसरत से। कितने ऐसे लोग थे जिनको मैंने ये रूहानी नुस्खा टोटका अमल बताया, और अल्लाह पाक का फजल है सूरत मुजम्मिल और फिर से सूरत मुजम्मिल की ये पहली आयत, अगर इसको बहुत कसरत से पढ़ा जाए सिस्ट ख़त्म हो जाती है, रसोली ख़त्म हो जाती है, ऑपरेशन की नौबत नहीं आती। और अगर सर्जरी ऑपरेशन हो भी चुका है तो उसके बाद भी अगर बीमारी बाकी है तो इंशाल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती मिलती है। सूरत मुजम्मिल 3 बार रोज़ाना, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ, और हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए आप, और या अय्युहल मुज़म्मिल बहुत कसरत से पढ़ें, और बहुत ज़्यादा कसरत से पढ़ें, बहुत कसरत से। ये या अय्युहल मुज़म्मिल आप हर हाल में पढ़ सकती हैं और कसरत से पढ़ें, तो इंशाल्लाह आपको सूरत मुज़म्मिल की ये तासीर और बरकत ऐसी होगी, चंद दिन, चंद हफ़्ते, मजबूरन चंद महीने आप अगर पढ़ लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको बहुत नफ़ा होगा। मैं इंशाल्लाह दुआ करूंगा, और अगर आप चाहें, चूँकि आपने रूहानी इलाज मांगा है, मैं चाहूंगा कि आपको एक तिब्बी दवा भी बता दूं, किसी भी अच्छे दवाखाने की बनी हुई सिपारी पाक। मेरे दवाखाने की बनी नहीं है, किसी भी अच्छे दवाखाने की सिपारी पाक एक दवा का नाम है, पाउडर है। आप ये चंद डबियाँ ज़रूर खा लीजिए, जो तरीका उस पर लिखा है आप उसका डबल ले लीजिए मिकदार में, दूध के साथ, मजबूरन पानी के साथ, लेकिन अगर दूध के साथ लें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। सिपारी पाक 3, 5, 10 डबियाँ, चंद डबियों में ही आपको फ़ायदा होगा, आप ज़रूर खाइएगा। और ये वजीफ़ा और ये अमल आप पढ़ें, चंद दिनों में अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत होगी और आपकी झोली आबाद व शाद होगी, इंशाल्लाह दुआ करूँगा।